मुझे इस हाथ से मिलना है, और यह मैं तुम दोनों से पूछ नहीं बता रहा हूं, इंतजाम किया जाए। जी हटो 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 सामने से, आइए। इसहाक, मेरे प्यारे इसहाक, मेरे अपने ही लोग नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं, तुमसे बात करूं, तुम्हारे खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? वो लोग गलती पर हैं, कसूरवार हैं, इसलिए नहीं चाहते कि मैं आपसे बात करूं। डरते हैं कि मैं आपसे उनकी शिकायत करूंगा और इंसाफ मांगूंगा, इसलिए। करार में इंसाफ है या नहीं, आप इंसाफ पसंद हैं, ना इंसाफी आपकी रियाया करती है। आपने हमें पनाह दी, मगर गुस्ताखी माफ, आपकी पनाह से तो पनाह चाहिए, इस पनाह से तो पनाह का कहत बेहतर था जिसे हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन हसद इसहाक, हसद, पूरा झगड़ा हसद का है, हर फिलिस्ती तुमसे हसद रखता है। गरार में पास जाने के बाद तुम तो मुझसे भी ज्यादा खुशहाल हो गए हो ना, मुझे देखो, मैंने बादशाह के कपड़े जरूर पहन रखे हैं, हुकूमत भी करता हूं, मगर हूं तो फिलिस्ती ना। सो आप ही बताइए हम क्या करें। मौके की नजाकत को समझकर अमल करो, जैसे तुमने तब किया था जब अपनी बीवी को अपनी बहन बताया था। अपनी हिफाजत करना कोई गुनाह नहीं है, मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है और अपनी भी। कुछ दिनों के लिए गरार की सरहद के परे डेरा डाल दो, इस दौरान मैं भी अपने लोगों को समझाता हूं। कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ हेब्रॉन में? हमारे कबीले में सिर्फ एक ही है जो नहीं जानते कि तुम यहाँ आते हो, और वो है हमारे अब्बा। चलो अम्मी बुला रही, ये लंगूरों जैसे कपड़े क्या पहन रखे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग किस खुशी में जमा हैं यहाँ? तुम अभी बच्चे हो, ये सब तुम नहीं समझोगे, लेकिन अब्बा और बड़े बाबा का नाम लेकर यहाँ का माहौल खराब नहीं करना। कहाँ चले गए तुम? इधर आओ, अपने साथियों को भी साथ ले आओ। देखो, मुझे समझने की कोशिश करो, अगर हमें फिलिस्तीन को खत्म करना है तो हमें इन हितों की मदद लेनी ही पड़ेगी, इसीलिए मैं इनसे रिश्ता बढ़ा रहा हूं। Thank you.
ये कैसा रिश्ता बढ़ा रहे हो? ये क्या हो रहा है? शादी हो रही है। मैंने इस कबीले की दो लड़कियों से शादी की है। दो से? हाँ, दो से। इस कबीले की दो लड़कियां तुम घर पर लाओगे तो अम्मी अब्बा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बल्कि अब्बा को मेरी समझदारी समझ में आएगी। और अगर एक लड़की कबूल कर सकते हैं तो दूसरी भी कर लेंगे। ऐसे हवनक की तरह क्या देख रहे हो? जिंदगी में कभी कोई शादी नहीं देखी क्या? जाओ, जाकर अब्बा से कहो कि अब जितने चाहे कुएं खोदे, इतनी अब हमारे साथ है। फिलिस्ती अब हमारी सिमत नजर उठाकर देख भी नहीं सकते। इस हाथ में तुम्हारे नहीं हजारों की तकदीरें लिखी हुई हैं। हजारों जीते रहो जिस हाथ की मुझे बरसों से तलाश थी वो आज मुझे मिल गया। अब मैं चैन से मर सकूंगी। क्या रो रही हो? सौ जेकब, ईसाओ है कहाँ? हमारा मेरा ईसाओ है कहाँ? इलोही, शिकार पर किसी जंगली जानवर ने उसे... किसी जंगली जानवर ने कुछ नहीं किया है, वो खुद हमें जंगली जानवरों के बीच फेंक आया है। आप यहाँ बाबा अब्राहम का कुआं तलाश कर रहे हैं, वो हमें तबाही के कुएं में खींचे लेगा। वो क्या कर रहा है ये मुझे बाद में बताओ, पहले बताओ इसे वो है कहाँ? जो कुछ भी मैंने किया अगर वह गलत है तो मैं आपकी माफी के तलबगार हूँ। मेरे दिल ने मुझसे कहा कि आपकी दुआएं हर वक्त मेरे साथ हैं और मैं वो कर सकता हूँ जो मैंने किया। मैंने शादी की है और दो बहुएं लाया हूँ ब्याह कर। कितनी आसानी से कह गए तुम ये सब, कितनी आसानी से तुमने शादी की, लेकिन कौन सा लोही, कौन सा फरिश्ता मौजूद था शादी को मुबारक कहने के लिए?